वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द टायरेंट। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट कोरियन गवर्नमेंट से एक वायरस हथियाना चाहती है। एंड दोस्तों, पता है उस वायरस से सुपर ह्यूमंस बनाए जाते हैं जो युद्ध के वक्त काम आएंगे। वेल, तो मूवी की शुरुआत में प्रोफेसर नोह कॉल पे डायरेक्टर चोई से बात कर रहे होते हैं। एंड इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कोरिया में द टायरेंट नाम की एक अनऑफिशियल रिसर्च चल रही है जिसमें ये बायो वेपन बना रहे हैं दोस्तों। तो इसकी खबर अमेरिकन इंटेलिजेंस को लग गई और उन्होंने जल्दी से इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहा था क्योंकि ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो प्रोफेसर नो आगे बताते हैं कि इसी वजह से NIS यानी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने अचानक लैब पे धावा बोल दिया। उन्होंने डॉक्टर जोनस और उनकी टीम को बंदी बना लिया है। जोई, जैसा कि तुमने कहा था, हमने हर चीज को अच्छे से डिस्पोज कर दिया था, पर अब दिक्कत ये आ रही है कि डॉक्टर जोनस की टीम ने जरूर टायरेंट का एक सैंपल अपने पास रखा होगा जो शायद अब NIS के हाथ लग गया है। इसके जवाब में जोई कहता है कि प्रोफेसर नो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, आगे मैं सब कुछ संभालूंगा। एंड दोस्तों, इसके बाद जो ये कपड़े की दुकान पे जाकर क्वेन नाम की एक लेडी से मिलता है जो कि स्पाई मास्टर थी दोस्तों। वो बताती है कि मैं अब आपके लिए काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सारे जासूस मारे जा चुके हैं। एंड दोस्तों, एक फ्लैशबैक में हमें क्वेन के आदमियों के कटे हुए सर दिखाते हैं। इतना होने के बाद भी चोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता और अब वो अपने दम पर इस टायरेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए क्वेन आखिरी बार उसकी मदद करने के लिए उसे पोर्टेबल वॉल्ट की ब्लूप्रिंट देती है जिसमें उनका आखिरी टायरेंट सैंपल हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। एंड वो ये भी बताती है कि उसे हासिल करने में आपकी मदद मिस्टर चे की डॉक्टर ज्योंग कर सकती है क्योंकि वो गुंडी होने के साथ साथ एक टेक्नीशियन भी है। पर दोस्तों, चोई उसकी मदद लेने से हिचकिचा रहा होता है क्योंकि ज्योंग को डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी है। पता है दोस्तों, जब भी उसकी पर्सनालिटी स्विच होती है ना, तो वो अपने ट्विन ब्रदर की तरह वायलेंटली बिहेव करने लगती है और उसे सिगरेट की बड़ी तलब मचती है। उसे तो बस लगता है कि एक दो कस और मिल जाए तो मजा आ जाए। एंड ये अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि इन्हें किसी के आने की आवाज आती है। दरअसल यहाँ पर अमेरिकन इंटेलिजेंस के द्वारा तैनात किए गए मिस्टर पॉल के दो राइट हैंड मैन चोई को मारने आ गए हैं दोस्तों। पर चोई तो जा चुका था, इसीलिए वो स्पाई मास्टर क्वेन को ही मार डालते हैं। इसके बाद सीन यहाँ से जियोंग पे शिफ्ट होता है। वो अपने ब्रदर के फ्यूनरल पर उससे बातें कर रही होती है। तभी वो फ्लैशबैक में याद करती है कि कैसे मेरे डैड की बॉडी के टुकड़े कर दिए गए थे। अगर उनकी बॉडी में टैटू नहीं होता तो मैं उनकी लाश को पहचान भी नहीं पाती क्योंकि उन कमीनों ने उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके एक छोटे से बैग में डाल दिए थे। ये देखकर मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सुन रह गई थी, पर मुझे हैरानी नहीं है क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहे थे, आज नहीं तो कल उनका ये अंजाम होना ही था। मुझे अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि ये एक्सीडेंट तब हुआ जब वो इस गलत रास्ते को छोड़कर रिटायरमेंट पे आ गए थे। उन्होंने तो सोच लिया था कि साउथ ईस्ट एशिया में एक पब शुरू करेंगे और वहाँ पर चैन से जिंदगी जिएंगे। और अब मुझे अपने डैड की बात याद आती है कि लाइफ कभी भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कोई नहीं बता सकता कि अगले पल जिंदगी कौन सा सरप्राइज देने वाली है। और वैसे भी दोस्तों, अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है तो दिल छोटा मत करना क्योंकि ये जिंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ कभी भी पासा पलट सकता है। वेल, तो प्रेजेंट में चोई का मैनेजर मोयुंग नाम के एक गैंग को हायर करता है जो जियोंग के पास जाता है पहले और कहता है, चलो मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट पे खाना वाना खिला देता हूँ, चलो। रेस्टोरेंट में दोस्तों मोयुंग के बंदों ने उसको चारों ओर से घेर के रखा हुआ था, पर जियोंग तो बेपरवाह होकर बिल्कुल सुपड़ सुपड़ करते हुए नूडल्स खाती है। फिर मोयुंग मुद्दे की बात पे आता है। वो उसे बताता है कि स्वीडन में एक हैंडक्राफ्टेड वॉल्ट बनाई गई है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। वहाँ कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम भी होगा और हमें 5 से 10 मिनट के अंदर ही अपने काम को अंजाम देना होगा। मिस्टर चे, यानी कि तुम्हारे डैड के जाने के बाद पूरे देश में एक तुम ही कमाल की बंदी हो जो इस काम को अंजाम दे सकती हो। इसके बाद दोस्तों, वो उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, काम हो जाने के बाद तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे। पर तभी जियोंग की पर्सनालिटी स्विच होती है और वो अपने भाई की तरह बर्ताव करने लगती है। इस काम से बिल्कुल मना कर देती है वो, जिससे इन सभी के पसीने छूट जाते हैं कि ये क्या कह रही है। अब मोयुंग उठकर उसके सिगरेट को लाइटर से जलाते हुए कहता है, मेरे लिए नहीं करेगा भाई, नहीं है क्या, कर दे यार प्लीज, हमारी तो पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि काम होते ही मैं एडवांस का बल्कि डबल पेमेंट कर दूंगा, साथ ही तुझे बोनस भी दूंगा, इतना तो काफी होगा तेरे रिटायरमेंट के लिए। फिर तू जा अपनी बहन के साथ साउथ ईस्ट एशिया में और वहाँ पब खोल कर अपनी लाइफ आराम से एंजॉय कर। इस तरह दोस्तों मोयुंग उठकर दूसरी पर्सनैलिटी को उसकी हैंडल करता है। अब सीन यहाँ से सीधे चोरी वाले दिन पर शिफ्ट होता है। तो मोयुंग के आदमी और जियोंग मिलकर NIS के एजेंट्स को मार कर वोट चुरा लेते हैं दोस्तों। एंड यहाँ जियोंग का काम पूरा हो चुका था पर मोयुंग का नहीं, क्योंकि उसे इस काम के पीछे के सारे सबूत मिटाने थे। इसलिए वो सारे सबूतों को मिटाने के साथ साथ जियोंग को भी डैम में फेंक कर मारने की कोशिश करता है, पर खुश नसीबी से जियोंग बच कर किनारे पर आ जाती है। हालांकि वो बुरी तरह से घायल थी, पर दोस्तों अभी भी उसे स्मोकिंग करने की चुल हो रही थी, मगर उसकी सिगरेट खत्म हो चुकी थी जिससे वो और इरिटेट हो जाती है। पर
फिर वो चेक करती अपनी जेब, जिसमें उसने दोस्तों वो चीज छुपा के रखी हुई थी जिसे मोयोंग चोरी करवाना चाहता था। और उसे तो पता भी नहीं चला कि कब वॉल्ट से जियोंग ने टैलेंट निकाल लिया और अब उसके पास खाली वॉल्ट ही बचा हुआ है। हैं, टैलेंटेड यार। और अब जियोंग उसे वापस सही तरीके से अपने पास रखकर आगे बढ़ती है। वो देखते है कि दो लड़के एक लड़की को अगवा करके इस सुनसान सी जगह पे लेकर आए हैं। उस लड़की के पास जो कैश था वो पहले ही उन्हें दे चुकी थी। अब वो डर के मारे अपनी जान की भीख मांग रही होती है, पर वो दरिंदे उसे नहीं छोड़ने वाले थे दोस्तों। उनमें से एक बंदा उस लड़की का गला दबाकर उसको मारने लग जाता है और दूसरा सुसु करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है। और अचानक उसके सामने जियोंग आकर खड़ी हो जाती है, जिसको देखकर उसके हाथ से सिगरेट छूट जाती है। और फिर क्या था दोस्तों, जियोंग मस्त उसे उठाकर एक दो कस लगाती है और फिर बंदे का सर कार की विंडो पे दे मारती है। तभी गाड़ी के अंदर जो बंदा था वो बाहर निकलता है, पर बाहर उसे अपने तड़पते हुए साथी के अलावा और कोई नहीं दिखता। एंड जब तक वो अपने साथी से पूछता कि भाई तुझे हुआ क्या है, तभी जियोंग कार को लेकर फुर हो जाती है, जिसमें वो दोनों सुनसान सी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ यातायात का कोई साधन नहीं था दोस्तों। वहीं उस लड़की की जान भी बच गई थी, पर वो काफी डरी सहमी थी क्योंकि बहुत बुरा होने वाला था उसके साथ। वो बस रोए जा रही थी। एंड उसे इस हालत में देखकर जियोंग को भी गुस्सा आता है कि कैसे लोग हैं यार। तो अब वो गाड़ी से कुचलकर उन दोनों लड़कों को मार डालती है। उसे इस तरह बेरहमी से मारते हुए देख वो लड़की और डर जाती है कि ये तो और भी खतरनाक है, और गाड़ी से उतरकर भागती है। दूसरी ओर दोस्तों, एनआईएस वाले काफी गुस्से में होते हैं कि उन्होंने टैलेंट का सैंपल खो दिया। उन्हें डर था कि जब इस बारे में पॉल को पता चलेगा तो पता नहीं वो सन की कैसे रिएक्ट करेगा। अब एनआईएस के चेयरमैन डायरेक्टर शाह से कहते हैं कि भाई जोई के साथ एक मीटिंग फिक्स करवाओ, देखो अगर बातचीत में मसला हो सकता है तो, क्योंकि हमने टैलेंट प्रोजेक्ट को अनऑफिशियल तरीके से शुरू किया था। अब हम जोई को ऑफिशियली अरेस्ट नहीं कर सकते, वरना हम भी फंस जाएंगे इसमें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जोई का मैनेजर मोयोंग के पास से वो वॉल्ट लेकर जोई को कॉल करता है। एंड दोस्तों, जोई उसे मोयोंग और उसकी टीम को जान से मारने का ऑर्डर देता है। इसके बाद जोई प्रोफेसर नो से मिलकर उन्हें खुशखबरी देता है कि टैलेंट हमारे हाथ लग गया है, डॉक्टर जोनस और उनकी टीम सही सलामत है। प्रोफेसर नो कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, अब हमें छिप जाना चाहिए। जोई भी कहता है ठीक है, चलिए आपको अपने सेफ हाउस में लेके चलता हूँ। इसके बाद दोस्तों, सीन फिलीपींस में शिफ्ट होता है, जहाँ पॉल द टैलेंट के एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखकर काफी डिसगस्ट फील करता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो बताता है कि कोरिया में जो डेवलप किया गया है वो कोई नॉर्मल सीरम नहीं है, बल्कि एक वायरस है जिसे स्किन और म्यूकस की मदद से एक्टिवेट किया जा सकता है। एंड दोस्तों, पॉल के नजदीक हम उसके राइट हैंड मैन को देखते हैं, जिसने क्वेन को मारा था। वो काफी हट्टे कट्टे और ताकतवर होते हैं। वहीं पॉल के आदमी कुछ जासूसों को उल्टा लटका कर टॉर्चर कर रहे होते हैं, और इन सभी को देखकर पॉल बड़ा मुस्कुरा रहा था। यानी वो काफी बेरहम साइको टाइप का इंसान है दोस्तों। वो इनके सर को धड़ से अलग करके हेडक्वार्टर भेजने का ऑर्डर देता है। एंड फिर वो बड़ी स्टाइल से ग्लासेस लगाकर कोरिया में चल रही गड़बड़ी को ठीक करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है गांव में। गांव का एक आदमी कचरा फेंकने के लिए जंगल में आता है। वहाँ वो थोड़ी देर बैठकर स्मोकिंग करता है। एंड तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है दोस्तों। वो इधर उधर देखता है तो अचानक उसके सामने एक विशाल काय मॉन्स्टर पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जिसके तीन हाथ होते हैं बताओ। वो आदमी बेचारा जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में वो नीचे गिरता है। तो वो मॉन्स्टर उसके और नजदीक दोस्तों बताओ। अब वो उसको पकड़ने वाला था कि सूरज निकल जाता है, और सूरज की रोशनी पड़ते ही उसकी बॉडी जलने लगती है। वो दर्द के मारे तड़पने लगता है, और फिर अचानक ब्लास्ट, और जो मॉन्स्टर का खून था ना वो उस आदमी के चेहरे पे पड़ जाता है, जो धीरे धीरे मूव करके उस आदमी के आंख के अंदर चला जाता है, जिससे वो हो जाता है इन्फेक्टेड। और सीन यहीं से अलग जगह शिफ्ट। आगे उस गांव में एंट्री होती है लिमसेंग नाम के एक सन की आदमी की। तो गांव पहुंचते ही उसको एक पोस्टर दिखता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि सारे गांव वाले हॉट स्प्रिंग ट्रिप पे गए हुए हैं। तो वो उसी इन्फेक्टेड आदमी के घर जाकर खुद को सुवोन डेली नाम के एक न्यूज एजेंसी का रिपोर्टर बताता है। एंड तभी उस इन्फेक्टेड आदमी की वाइफ कहती है, अच्छा वो सर आप आ गए, मेरे पति ने जो जंगल में देखा उस पे आप यकीन नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर रहा, बल्कि कोई और तो छोड़िए, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। गांव वालों का तो कहना है कि जरूर मेरे पति ने जंगल में सुअर देखा होगा, सुबह का वक्त था, प्रॉपर रोशनी न होने की वजह से उसने गलत समझ लिया कि वो कोई मॉन्स्टर था। लेकिन लिमसेंग कहता है कि गांव में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तब वो लेडी बताती है कि किसी भले आदमी ने पूरे गांव वालों को एक पेड ट्रिप पे भेज दिया है। जानते हैं मुझे भी जाने का बड़ा मन था, पर क्या करें, मेरे पति की तबीयत सही है नहीं, इसीलिए घर पर रहना पड़ रहा है। लिमसेंग इंटरव्यू दोस्तों शुरू करने की इजाजत मांगता है। वो उस इन्फेक्टेड आदमी को एक्सपेरिमेंट की वीडियो दिखाता है, जिससे पता नहीं वो आदमी काफी अजीब से हरकतें करता है। उसकी वाइफ को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो उसे संभालने की कोशिश में जुट जाती है, और इतने में लिमसेंग अपने बैग से ग्लास शील्ड निकालकर अपने फेस को कवर कर लेता है, और फिर ढाए से उस लेडी को शूट करके मार डालता है दोस्तों। फिर वो उस इन्फेक्टेड आदमी के सर पे कई सारी गोलियां मारकर उसका ही खात्मा कर देता है। कैसा साइको है यार। इसके बाद आराम से हाथ वगैरह धोकर
खून के छींटे साफ करता है। फिर उस आदमी के घर में आग लगाकर वहां से 9211। दरअसल उसने आग इसलिए लगाई ताकि वो वायरस चलकर खत्म हो जाए और बाद में किसी और इंसान को इन्फेक्ट ना करे। पर जैसे ही वो गाड़ी में जाकर बैठता है तो उसे अपने फोन में जोई के मैनेजर का मैसेज आता है एंड वो उसे मोयूंग का फोटो सेंड करके उसे और उसके गैंग को निपटा देने का ऑर्डर देता है। दोस्तों अब आगे मैनेजर चोई के सेफ हाउस में जाकर बताता है कि जियोंग एक अंडरग्राउंड क्लिनिक में है। दरअसल वो काफी जख्मी हालत में बेहोश पाई गई थी, इसलिए एक डॉक्टर ने उसका इलाज किया। पर उस डॉक्टर को जियोंग के सर पे इनाम वाली बात पता चल गई थी, इसलिए उसने हमें कांटेक्ट किया। अब इससे पहले कि कोई और उस तक पहुंचे, हमें अपने आदमी को भेज कर उसे खत्म करना होगा। पर दोस्तों वहां दूसरी तरफ मिस्टर सियोंग के 3 आदमी आकर डॉक्टर को कुल्हाड़ी फेंक कर मार डालते हैं और फिर वो अंदर जियोंग को भी मारने जाते हैं। पर अचानक ही वो गुंडों में से एक को चाकू की नोक पर लेकर पूछती है कि आखिर तुम लोग हो कौन, क्या तुम्हें मोयूंग ने भेजा है? एंड इस पर वो जवाब देते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमें किसने भेजा है, मसला तो यहाँ यह है कि अब तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं बचोगी। वैसे तुम्हें और तुम्हारे डैड को हम जैसे लोगों से बचकर रहना चाहिए था। ये सुनते ही वो समझ जाती है कि यही लोग मेरे डैड के कातिल हैं। इसलिए वो गुस्से में उन तीनों की जमकर कुटाई कर देती है और फिर बड़ी ही बेरहमी से उन्हें स्टैब करके मार डालती है। दोस्तों इसके बाद वो अपने कपड़े को पानी से भिगा कर अपना बदन साफ करती है एंड यहाँ हम दोस्तों उसके बदन पे ढेर सारे जख्म के निशान देख पाते हैं। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जिस रात वो वॉल्ट चोरी करने गई थी, काम हो जाने के बाद उस पे मोयूंग के लोगों ने नाइफ से हमला भी किया था। वहीं मोयूंग ने उस पे गोली भी चलाई थी, लेकिन सही वक्त पे झुक जाने की वजह से गोली उसके सर को बस छू के चली गई, जिससे वो बेहोश हो गई। पर मोयूंग को लगा कि वो मर चुकी है, इसीलिए उसने अपने आदमियों से कहकर उसे डैम में फेंकवा दिया ताकि उसकी लाश किसी के हाथ ना आए। पर जियोंग मोटी चमड़ी की बनी थी, वो इतनी आसानी से तो मरने वाली थी नहीं, और अब वो बदले की आग में है दोस्तों, उसी में जी रही है। वहां से वो डॉक्टर के कपड़े पहनकर मोयूंग की तलाश में निकल पड़ती है, पर तभी उसे ढूंढते हुए कुछ और लोग भी वहां पर आ जाते हैं। जियोंग साइड में छुपकर उनके अंदर जाने का वेट करती है और फिर उनके जाते ही वो उस बिल्डिंग से तुरंत बाहर। पर प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि मेन गेट पे उसको पुलिस देख लेती है एंड वो फिर पीछे के रास्ते से निकलती है, लेकिन पीछे एक आदमी गाड़ी में सामान लोड कर रहा था, लेकिन तभी वो ड्राइविंग सीट पर बैठ कर निकल जाती है। और जब वो आदमी अपना सामान गाड़ी पे रखने जाता है तो सामान गिर कर टूट जाता है क्योंकि गाड़ी तो जियोंग लेकर भाग चुकी थी। यहाँ मैनेजर को जब पता चलता है कि उसके आदमी जियोंग को नहीं पकड़ पाए तो वो लिम सैंग को ही जियोंग को मारने का केस सौंप देता है। एंड दोस्तों उस वक्त लिम सैंग मोयूंग के राइट हैंड मैन को मारने की फिराक में था, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हुआ था। पर वो उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मारकर फिर भी उसे चाकू की नोक पर ले जाकर गाड़ी ड्राइव करने को कहता है। दूसरी ओर दोस्तों चोई डायरेक्टर शाह से NIS में मिलता है, जहां डायरेक्टर शाह चोई को समझा बुझाकर अपनी बात मनाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि वो टायरेंट हमें दे दो, इसके बाद हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, पर चोई को ऑपरेट करने से मना कर देता है दोस्तों, जिससे इनके बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाती है। और तब मैनेजर उसकी टीम के लोगों को जान से मारने की धमकी देता है, जिससे चोई बिल्कुल नहीं डरता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने तो खुद अपनी टीम को मरवाने का जिम्मा लिम सैंग को सौंप रखा है और प्रोफेसर नो को उसने खुद ही मार कर उनकी लाश को गाड़ी के साथ खाई में धकेल दिया था। दोस्तों अब हम लिम सैंग को देखते हैं जो मोयूंग के राइट हैंड मैन को एक ट्रेन जैसी दिखने वाली गाड़ी पे लेकर ड्रिल मशीन से उसकी बॉडी में छेद कर कर के टॉर्चर करता है। और इस दौरान वो उसे कहानी भी सुनाता है कि पता है जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था और मेरे घर के नजदीक से रेलवे ट्रैक गुजरती थी, बहुत परेशान होता था मैं। बाकी बच्चे बाइक कार खरीदना चाहते थे पर मैं ट्रेन खरीदना चाहता था क्योंकि मुझे ट्रेन से जो प्रॉब्लम थी वो मुझे अच्छी लगने लग गई थी। और तुम पहले इंसान हो जिसे मैं यहाँ पर लेकर आया, तो मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, बताओ कैसा है? बेचारे का तो डर के मारे पतलून गीला हो रखा है और यहाँ पर ये आदमी फीडबैक मांग रहा है उससे। खैर थोड़ी देर के बाद वो उससे मोयूंग का पता पूछता है और डर के मारे वो बता भी देता है। तब लिम सैंग कहता है कि देख बच्चों, अगर तूने गलत बताया तो मैं तेरे परिवार का भी वही हश्र करूंगा जो तेरा करूंगा। फिर वो उसे शूट करके मार डालता है। फाइनली दोस्तों इसके बाद वो मोयूंग को ढूंढने बुसान के एक अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ मोयूंग तो नहीं था पर उसके साथ ही जरूर होते हैं। वो उनसे मोयूंग के बारे में पूछता है पर उनका कहना होता है कि मोयूंग ने हमसे कॉन्टेक्ट तोड़ दिया है, इसलिए हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। बस दोस्तों ये सुनने के बाद लिम सैंग उन्हें बेरहमी से मार देता है। लेकिन दोस्तों मोयूंग को ढूंढते ढूंढते जियोंग भी आ जाती है। अपार्टमेंट के बाहर कुछ लड़के सुट्टा फूंक रहे थे, जिसको देखकर जियोंग का पर्सनैलिटी स्विच ऑन हो जाता है और अब उसे भी स्मोक करनी है। तो वो जाकर उन लड़कों से कश मांगता है पर वो लड़के काफी रूढ़ निकलते हैं। वो जियोंग के साथ काफी बदतमीजी भी करते हैं। अब जियोंग स्मोक करते हुए दोस्तों अपार्टमेंट के अंदर जाती है। यहाँ कॉरिडोर में उसकी और लिम सैंग की आई कांटेक्ट भी होती है। अब पता नहीं क्यों पर लिम सैंग को वो देखी देखी सी लगती है। फिर वो आगे बढ़ जाता है एंड वही रूम में मोयूंग के साथियों के लाश देखने के बाद जियोंग वहां से निकली रही होती है। यहां इस वक्त लिम सैंग उन लड़कों से टकरा जाता है जिनसे जियोंग ने सिगरेट मांगा था। दोस्तों उनके चेहरे पे काफी चोटें होती है, यानी लगता है जियोंग ने इनकी जमकर धुलाई
की थी और वो जियोंग का गुस्सा लिमसेंग पर निकाल देते हैं। इसी चक्कर में लिमसेंग के हाथों से जियोंग बचकर निकल जाती है, जिसका बदला फिर वो उन गुंडों को जान से मार कर लेता है। दोस्तों अब आगे वो किसी तरह जियोंग को ढूंढने में कामयाबी हो जाता है। दोनों को एक दूसरे की असलियत पता चल जाती है, इसलिए दोनों एक दूसरे पे गन तान देते हैं। लेकिन दोनों को एक एक गोली लग भी जाती है, फिर भी ये फाइट करते हैं। अब इस दौरान जोयुंग जानना चाहती है क्या उसने मोयुंग को मार दिया। तभी लिमसेंग को मैसेज रिसीव होता है, जिससे उसको पता चलता है कि मोयुंग एनआईए वालों के हाथ लग गया। तो दोस्तों वो जियोंग से फाइट करना छोड़कर मोयुंग को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर सा को देखते हैं, जो मोयुंग को अपने साथ एक सेफ लोकेशन पे लेकर जा रहा है। पर तभी पॉल और उसके आदमी सामने आ जाते हैं। पॉल के राइट हैंड मैन कार के रूफ को कवर कर मोयुंग को बाहर निकाल लेता है। मोयुंग और चोई को लेकर चोई के सेफ हाउस में जाता है, जहां चोई के बेहद ही खास लोग छिप कर बैठते थे। पर यहां पर पॉल और उसके आदमी इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाकर मार रहे होते हैं। अंदर चोई के कुछ टेक्नीशियन मिलकर इतने दिनों से वॉल्ट को खोलने की कोशिश में हैं। अब जाकर कहीं वॉल्ट खुलता है, पर उसके अंदर से टायरेंट गायब। इससे मोयुंग तो समझ जाता है कि जियोंग का ही काम है ये पक्का, पर पॉल को लगता है कि चोई और मोयुंग उसे उल्लू बना रहे हैं। दोस्तों जब वॉल्ट इनके पास है तो टायरेंट भी इनके पास होना चाहिए, उसे ऐसा लगता है। यहाँ कुछ लोग जियोंग और लिमसेंग पे हमला कर देते हैं। इनके बीच काफी फाइट भी होती है, और इस फाइट में पता है दोस्तों क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए था वो होता है। टायरेंट की वो बॉटल टूट जाती है छोटी सी, और उसके अंदर जो वायरस था वो जियोंग के स्किन से होते हुए उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। एंड जियोंग और लिमसेंग दोनों हैरानी से इसको देखते हैं। लिमसेंग पूछता है ये क्या है, वो बताती है मुझे नहीं पता क्या है, दरअसल मुझे तो मोयुंग के इरादे पे शक था, इसलिए मैंने इसे वॉल्ट से निकाल कर अपने पास रख लिया, ये सोचकर कि जैसे मोयुंग मुझे मेरे सारे पैसे देगा तो मैं ये चीज उसे लौटा दूंगी। पर दोस्तों लिमसेंग समझ जाता है कि जियोंग इन्फेक्टेड हो गई है। अगले सीन में हम पॉल को काफी गुस्से में देखते हैं। वो चोई से टैरेंट के बारे में पूछता है, मगर उसे तो खुद ही नहीं पता कि टैरेंट कहां पर है, इसलिए पॉल उसके आदमियों को एक एक करके मारने लगता है। और जब मोयुंग की बारी आती है ना, तो वो मुंह खोल देता है और बता देता है टायरेंट जियोंग के पास है। इसी बीच जियोंग और लिमसेंग सेफ हाउस चले जाते हैं। यहाँ पॉल के राइट हैंड मैन टॉम उनसे फाइट करता है। जियोंग पे टायरेंट धीरे धीरे असर कर रहा था, इसलिए वो टॉम से भी आसानी से फाइट कर देती है। इसी बीच लिमसेंग जाकर पॉल पे गन तान देता है। पॉल उसे समझाता है कि अगर तुमने मुझ पे गोली चलाई तो इसका अंजाम तुम अच्छे से जानते हो। वहीं जो स्माइल करते हुए लिमसेंग से कहता है तुम अच्छे से जानते हो दोस्त कि अब तुम्हें क्या करना है। एंड उसकी बात सुनते ही लिमसेंग पॉल को शूट कर देता है। ये देखकर तो मोयुंग भी भागना शुरू करता है। तभी लिमसेंग उसके पैर में गोली मारकर उसे जियोंग के हवाले कर देता है, क्योंकि वो जियोंग का शिकार था। एंड वो बड़ी ही बेरहमी से मोयुंग को जान से मार डालती है। दरअसल जियोंग और लिमसेंग ने डील की थी, जिसमें जियोंग ने कहा था कि मेरी आखिरी विश है कि मैं मोयुंग को मारूं बस। अब जियोंग की आखिरी विश तो पूरी हो चुकी है, तो लिमसेंग उसे मारने वाला होता है। पर चोई कहता है टैरेंट का जियोंग पर क्या असर हुआ ये देखने के लिए लाइट्स ऑन करवाओ। और दोस्तों अब जियोंग का चेहरा बड़ा भयानक सा दिख रहा था। लिमसेंग तुरंत जियोंग पे गोली चलाता है, पर इसका उस पे कोई असर नहीं होता। वो किसी तरह गन हासिल करके लाइट्स पे फायर करती है, जिससे बल्ब फूट कर लाइट्स ऑफ हो जाती है। एंड दोस्तों अब तक जियोंग को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थी, अब टैरेंट की वजह से ट्रिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गई है। और ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी चोई जियोंग को छिप जाने को कहता है, क्योंकि जल्दी सवेरा होने वाला है और सूरज की रोशनी से उसे काफी परेशानी भी होगी, वो मर भी सकती है, साथ ही एनआईए वाले भी आते होंगे। अगले सीन में डायरेक्टर सा अपने आदमियों के साथ सेफ हाउस में आ जाता है। वहाँ उन्हें सिर्फ चोई और लिमसेंग ही जिंदा मिलते हैं, बाकियों की लाशें। अब डायरेक्टर सा के आदमी लिमसेंग को शूट कर देते हैं, पर वो विंडो से रिवर में कूद जाता है। वो चोई से कहते हैं कि तुम्हें तो मैं तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक तुम टैरेंट का पता नहीं बता देते। पर ये सुनकर तो चोई खुद को ही मार डालता है, जिससे टैरेंट का राज किसी को पता ना चले। बस यहाँ डायरेक्टर का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसने टैरेंट तक पहुँचने की आखिरी उम्मीद भी खो दी है। और वो गुस्से में और चार पांच लोगों को गोली मार कर अपनी खुन्नस निकालता है। दूसरी ओर दोस्तों जियोंग रिवर में लिमसेंग को खींच कर बाहर निकालती है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई है। फिर वो अपने डैड की कही बात दोहराती है कि लाइफ कभी भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। वेल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कमेंट करके बता दीजिए, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।